नमस्ते। Здравствуйте, ребята. Здравствуйте, ребята. С днём победы. और हैप्पी विक्ट्री डे टू ऑल ऑफ यू। एंड गाइस, तो देखिए यहाँ पे रशिया का विक्ट्री डे पे काफ़ी सारे आर्म्स शो है, यहाँ पे परेड है, देख सकते हो कि यहाँ पे मिसाइल वगैरह सब कुछ है। मैं आपको आगे दिखाता हूँ रशिया का आर्म, जो कि हमारे तवेर सिटी में आज विक्ट्री डे पे दिन पवेदी पे आर्म्स शो परेड वगैरह हो रहा है, वो मैं आपको दिखाऊँगा। ये रहा मिसाइल, जो कि मैं आई थिंक मिसाइल मैं पहली बार देख रहा हूँ। और आगे भी है जो कि रैकेट है, आगे देखो। देखो यहाँ पे कितना केयर करते हैं लोग, टायर तक साफ कर रहे हैं आज परेड शो के लिए। सर बताओ, टायर साफ करने का क्या ही मतलब है? Thank you.
गाइस हमने अभी परेड देख के आगे निकल चुका है अली बाबा स्ट्रीट पे, और अली बाबा स्ट्रीट पे घूम रहे हैं। देखिए क्या नज़ारा है, कितना अच्छा लग रहा है अभी समर में अली बाबा देखने पे। ऊपर से आज दिनियम पवेदी है, इसका मतलब विक्ट्री डे। सो आज का माहौल तो अलग ही रहता है इन लोगों का, ये लोग को काफ़ी अच्छा छुट्टी सेलिब्रेट करते हैं फिलहाल तो। और मैं भी अभी निकल चुका हूँ सिनेमन के लिए, क्योंकि सिनेमन गाइस ठंडी कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया था। मौसम बहुत प्यारा था बट ना मालूम क्यों ज़्यादा ठंडी आ चुकी है फिलहाल। कल तो रात में स्नोफॉल भी हो रहा था, और दिखाता हूँ मैं कि यहाँ पे कैसे झंडे वंडे सब मिल रहे हैं। अभी बस झंडे यहाँ पे बिक रहे हैं, और देखो यहाँ के गाड़ियों पे लोग कितने बड़े बड़े झंडे लेके घूमते हैं रोड पे। और गाइस तो ये लोग हैं कि जर्मनी से जो वर्ल्ड वॉर टू हो रहा था उसमें जीते थे, जीतने के बाद ये सेलिब्रेट करते हैं। विक्ट्री डे जर्मनी से जीतने की खुशी में सेलिब्रेट किया जा रहा है, और इसके 1945 में विक्ट्री प्राप्त किए थे जर्मनी के। गाइस देखो यहाँ पे भी कंस्ट्रक्शन चल रहा है, समर आया है तो समर आने हर समर में यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चलता है। और देखो बच्चे खेल रहे हैं, नहीं आया फिर से कर। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अभिषेक ब्लॉग्स। गाइस तो देखिए यहाँ पे लोग अकेले अकेले खा रहे हैं। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट ऑन द YouTube वीडियो। आइए सर आप क्या कहोगे। गाइस तो देखिए अभी हम लोग सिनेमन में हैं, लोग पहले सिनेमन में थे, और उधर मिरर में मधु दिख रही है और विवेकानंद भी दिख गया। और प्लीज अनसब्सक्राइब। देखो हम लोग का खाना पीना हो गया, मतलब मैंने ही खाया, इन लोगों ने खाया मिक्स रोल, बहुत मीठा होता है तो मीठा मुझे, मीठे लोग मुझे पसंद ही नहीं है, ना मीठे चीज़ पसंद है। तो अभी हम लोग घूमते घूमते इंदिस की मैगजीन आ चुके हैं, मतलब इंदिस की शॉप। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो भी सामान है सारा इंदिस की है, आई मीन इंडियन है, और इंडियन है। अब तो चाइनीज़ भी आने लग गया यहाँ पे। मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे इंडियन जो चीज़ें होते हैं काफ़ी महंगा होता है, उसका रेट मैं आपको दिखाता हूँ। देखो लोगों को, और अच्छा रसमलाई किधर है, हाँ रसमलाई मैंगो, हाँ रसमलाई नहीं है गुलाब जाम, रसगुल्ला है, रसमलाई भी है बीच में, रसमलाई कहाँ है, रसगुल्ला है बीच में, देखो गुलाब जामुन के आगे गुलाब ये हाँ। अच्छा रसमलाई रसगुल्ला है, मलाई नहीं है, रसमलाई लिखा है, रसमलाई हाँ रसमलाई लिखा है, सॉरी सॉरी सॉरी, अरे रसगुल्ला। गाय तो देख सकते हो आप, एक के जी रसमलाई 898 रूबल का, रसगुल्ला 898 रूबल का, और गुलाब जामुन 898 रूबल का। और आप नीलसन का ये सब, आप ये देखो अचार देखो 215 का। और आपको अभी मैं हल्दीराम का दिखा रहा हूँ, हल्दीराम का एक इतना छोटा सा, कितना का है सर, 200 चना जोर गरम में 200 का है छोटा पैकेट, जो कि कितना ग्राम का, 200 ग्राम वाला है, 200 ग्राम का है जो 200 का है। और आलू ग्राम, आलू देखो आलू भुजिया 200 का, 200 ग्राम 208 का, एंड 208 का भुजिया 200 ग्राम, नवरत्न 200 ग्राम। देख सकते हो आप मटरी वगैरह सब कुछ यहाँ पे है, बट 200 का है, महंगा है एज कम्पेयर टू इंडिया देखे तो। एंड नट क्रैकर वगैरह भी है गाइस, और स्टार्टर्स के लिए तो काफ़ी है यहाँ पे, श्रीम्प वगैरह सब है, चाइनीज़
सर। हाँ आया। और इधर राइस देख रहे हैं, ये बासमती राइस या ये बासमती राइस? कितने का है बासमती राइस? 5 किलो 5,800। ये 375 का एक किलो। आई थिंक ताज ले गया था पीछे वाला बार, ताज अच्छा है। ताज इज ऑफ 298 1 kg। और ये बासमती है 314 1 kg है ना? हाँ 1 kg। और आप देख सकते हो यहाँ पे सब कुछ वाटिका के शैम्पू वगैरह सब मिलता है। वाटिका का शैम्पू, पतंजलि वगैरह, देखो पतंजलि गाइस, तो यहाँ पे हर चीज़ मिलता है। आप खोजो, जो खोजो, जो च्यवनप्राश, आपको मैं डाबर का च्यवनप्राश दिखाता हूँ। डाबर का च्यवनप्राश है। और इधर आंटी बैठी हुई है। और देखो हिमालय का क्रीम वगैरह सब है यहाँ पे। एलोवेरा रेड टूथ पेस्ट, रेड लाल गाइस। देखो इधर सोन पापड़ी है, इतना छोटा सा सोन पापड़ी 400 का है, 398 का है। और 500 ग्राम सोन पापड़ी 748 का है, हल्दीराम का सोन पापड़ी। और इधर सारे मसाले हैं। गाइस इधर दाल वाल भी पड़ा हुआ है, सेवई पड़े हुए हैं। और देखिए तो हीरोइन भी है, हीरोइन मूंग दाल, मसूर दाल, मसूर मूंग दाल लीजिए 500 ग्राम 128 का है। और मसूर दाल 500 ग्राम 117 एंड मसूर इज ऑफ 135। दाल ही सस्ता है भाई मसूर से तो। और इधर चना है, देखो काला चना 500 ग्राम 248 का है। तिल भी है, वो 250 ग्राम 134 का। और चने के दाल भी है यहाँ पे, ये मटर दाल है और ये तूर दाल, क्या ही है पता नहीं गाइस। और यहाँ पे रशियंस भी आते हैं सामान खरीदने के लिए। यहाँ पे लेमन तो देखो, घी देखो, घी तो महंगा है भाई। देखो गाइस घी 400 ग्राम 725 का है। और इधर सोयाबरी है 100 ग्राम 530 का, सॉरी 100 ग्राम 53 का। और क्या बताऊँ, सब तो देख लिया आपने। और यहाँ पे लोगों ने लिया है चना जोर ग्राम लिया, और नट क्रैकर लिया। तो ही खोजी सेफ्टी पिन, गाइस। तो हम लोग इंडस्की मैगजीन से सामान वामान लेके हॉस्टल के लिए निकल रहे हैं। फिर वहाँ से थोड़ा वो सामान लेना है जाके मांगनी से, मांगनी से थोड़ा ग्रॉसरी वगैरह उठाएंगे, चिकन वगैरह, उसके बाद फिर हम लोग हॉस्टल में मिलते हैं। गाइस तो हम लोग अभी बिरयानी बना रहे हैं।
गाइस तो हम लोग वहाँ से पार्क जो भी आज विक्ट्री डे था दिन प्रवेदी वहाँ से घूमकर परेड वगैरह देखकर आए, फिर हम लोग बिरयानी बनाने के लिए सोचे और इसकी मागजीन से बिरयानी राइस उठाए, बासमती राइस, और उसके बाद हमारा बिरयानी बनना तैयार हो चुका है। देखिए और सर वहाँ पे लगे हुए हैं, विवेकानंद चल रहा है, इधर राइस सोक होने के लिए रखा हुआ है और इधर आलू है और इधर हमारा चावल वगैरह सोक हो रहा है, उधर बरिस्ता तैयार है और यहाँ पे आप देख सकते हो कि चिकन बन रहा है। उसके बाद हमारा चिकन बिरयानी बनकर तैयार होगा और फिर देखते हैं कि कैसा हमारा बिरयानी बनकर तैयार होता है। गाइस देखो अभी यहाँ पे 10 बजने वाला है और देख सकते हैं कि अभी जस्ट शाम हुआ है यहाँ पे, उधर देख सकते हो अभी लालिमा पड़ा हुआ ही है सूर्यास्त का, और अभी और आगे देखो कि लाइक लास्ट ऑफ द जून तक तो काफ़ी लेट तक लाइक 10:30-11 तक यही टाइम रहता है, इतना ही उजाला रहता है। सो और पीटर्स में तो व्हाइट नाइट भी होते हैं और इधर बिरयानी हमारा बन रहा है किचन में, तो अंदर जाके देखते हैं कि लोग क्या कर रहे हैं रूम के अंदर, पंचायती चल रहा है। गाइस तो देखिए यहाँ पे सच्चे पंचायती चल रहा है, लोग यहाँ पे देखिए ये विवेकानंद है मस्त डांस कर रहा है और इधर मुस्कान और मधु बैठी हुई है और देखिए हमारा रूम का लाइटनिंग क्या माहौल बना हुआ है अभी, और ये मेरा बेड पे बैठा। गाइस तो देखिए अभी और माहौल बन चुका है और हमारा रूम पे डिस्को लग चुका है, ये विवेकानंद का देन है और ये हमेशा नचनिया वाला हरकत करता रहता है, पैसे मेरे को पैसे। और आज दीन फवेदी के शुभ अवसर पे ये सब पार्टी चल रहे हैं, बिरयानी उधर बिरयानी बन रहा है इधर लोग, हाँ चॉपस्टिक से तो बिरयानी खाएगा, सुशी तो खा नहीं पाता है भाई, 10 बार गिरा आता है। आज मैं बिरयानी चॉपस्टिक से खाऊंगा, नहीं खा पाएगा तो मैं शिनचैन की जैसे बोलने लगे। गाइस तो आगे मिलते हैं फिर बिरयानी के पास जाकर। गाइस हमारा बिरयानी खुलने वाला है, अब देखो कैसे कैसा बिरयानी बना है वो अभी आपको दिखेगा। वाव देखो क्या बिरयानी बना है, देखने में तो अच्छा लगता है, खाने में पता चलेगा कैसा बना है बिरयानी। गाइस तो ये हमारा बिरयानी है देख सकते हो जो कि रेडी हो चुका है, काफी प्यारा बिरयानी बना है। सी में बहुत बचा अभी।